नमस्कार सभी का स्वागत। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा आप सभी लोगों का, क्योंकि 4 मार्च को एक वीडियो डाला था मैंने वेबसाइट पर एक विश्वविद्यालय के विषय में, जिसमें पीएचडी के लिए आवेदन आए थे, जिसमें 200 से ज़्यादा पीएचडी की सीटें थी, 25 विभाग थे, यूनिवर्सिटी का नाम था विक्रमशिला या विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में, ठीक है, विक्रमशिला नहीं है, विक्रम यूनिवर्सिटी, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस हो चुके हैं, उसका रिजल्ट भी आ गया है, इंटरव्यू की डेट भी आ गई है। मैं आपको बताऊंगा किस किस डिपार्टमेंट का आया है रिजल्ट, कितने बच्चे हुए हैं क्वालिफाई, कब होना है आपका इंटरव्यू, इन सभी शेड्यूल के विषय में, और साथ ही साथ इंटरव्यू की डेट क्या रहेंगी, सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग है, और किस परसेंटेज पे आपको क्वालिफाई किया गया है, वे सभी आपको बताऊंगा, ठीक है। लगभग अधिकांश डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट को आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर विजिट करके अच्छे से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि कोई समस्या आती है रिजल्ट को समझने में, यदि कोई असंतुष्टि होती है कि आपको क्वालिफाई किया गया नहीं किया गया, तो उसके लिए आप विश्वविद्यालय से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा इंटरव्यू की डेट से पहले। इंटरव्यू का मतलब DRAC की एक मीटिंग रखी गई है, कई जगह DRAC होता है, कई जगह DMRC होता है, तो हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ वेबसाइट पर, और वेबसाइट के अंदर आए हुए नोटिफिकेशन पर, और सबसे पहले नोटिफिकेशन है यानी कि रिजल्ट आया है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का। इसके अंतर्गत जिन बच्चों को क्वालिफाई किया गया है उनकी संख्या है 6, 4, 10 और 11 बच्चे। 11 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं इंटरव्यू के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इन बच्चों का जो इंटरव्यू रखा गया है, वह रखा गया है, उसकी डेट कंसल्ट नहीं है, इसीलिए आप डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं संभावित डेट आपको बता दूं, 25 मार्च से पहले आपका इंटरव्यू हो जाएगा। 25 मार्च से पहले डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चों का इंटरव्यू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट है, ये है डिपार्टमेंट, इसमें कंसल्ट नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखकर नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी उर्दू है, ठीक है, उर्दू डिपार्टमेंट के बच्चे, ध्यान दें, इसके अंतर्गत 4 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, जी हाँ, 4 बच्चों को, और ये चारों के चारों बच्चे OBC कैंडिडेट हैं। अब ये सही रिजल्ट है या गलत रिजल्ट है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के बच्चे जो भी क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उनका इंटरव्यू है 24 मार्च 2021 को, समय दोपहर 1 बजे, 24 मार्च 2021 दोपहर 1 बजे समय दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वेन्यू है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू उज्जैन विश्वविद्यालय। अगला नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट आया है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, यदि मैं सही हूँ तो, ठीक है। तो सांख्यिकी डिपार्टमेंट के बच्चे, अब ध्यान दें कि 4 बच्चे हुए हैं क्वालिफाई, 2 बच्चे हुए हैं क्वालिफाई एंट्रेंस के लिए, ठीक है, और 2 बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट थी, उनको एग्जामिनेट कर दिया गया था, या उनका MPhil होगा या नेट होगा या JRF होगा, ठीक है। तो PhD के लिए 4 बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, जिसमें 2 हुए हैं एंट्रेंस क्वालिफाई और 2 हुए हैं एग्जामिनेट। जो एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं, एक बच्चे का स्कोर है 49, दूसरे का है 62, तो इन 4 बच्चों का इंटरव्यू निर्धारित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स उज्जैन विश्वविद्यालय में 25 मार्च 2021 समय दोपहर 2 बजे। क्या है 25 मार्च 2021 दोपहर 2 बजे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के बच्चे, अब ध्यान दें, इस डिपार्टमेंट की लिस्ट थोड़ी अच्छी खासी आई है, यहाँ यहाँ लगता है कि बच्चों ने कंपटीशन किया है, बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए। बच्चे ध्यान दें, इस डिपार्टमेंट में 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9 and 12, 12 and 15, 15, 18, 18, 21 and 24, 25, 25 से 26 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में PhD के लिए, ठीक है, और 46 से लेकर 765 तक मार्क्स आए हैं बच्चों के, जिनको क्वालिफाई किया गया है आउट ऑफ 100। तो इन सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ध्यान दीजिएगा अपने इंटरव्यू की डेट पर, आपका इंटरव्यू रखा गया है 24 मार्च को, समय सुबह 9 बजे, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है आपका,
क्योंकि जो चार नोटिफिकेशन मैंने आपको अभी तीन अभी तक मैंने आपको बताए, जियोलॉजी का, उर्दू का, स्टैटिक्स का, उन सभी डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, यूनिवर्सिटी के अपने अपने डिपार्टमेंट में होगा। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के बच्चे थोड़ा ध्यान से दें, उनका इंटरव्यू ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा और गूगल मीट का लिंक आपको विभाग की तरफ से प्राप्त हो जाएगा आपके दिए गए ईमेल आईडी पर इंटरव्यू के दिन ही कुछ घंटे पहले। और यदि नहीं आता है डिपार्टमेंट से फ़ोन करके ईमेल करके कंसल्ट कर लीजिएगा। ऑनलाइन माध्यम से होगा इंटरव्यू, सुबह 9 बजे इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के बच्चों का जो क्वालिफाई हुए हैं पीएचडी एग्जामिनेशन के लिए 24 मार्च सुबह 9 बजे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले डिपार्टमेंट में चलते हैं, चलते हैं डिपार्टमेंट है संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। जी हाँ, संस्कृत डिपार्टमेंट का बच्चे अब ध्यान दें, संस्कृत डिपार्टमेंट के बच्चों का भी रिजल्ट आ गया है। ये मैं गिन लेता हूँ, 2, 3, 9 8 बच्चे हुए हैं क्वालिफाई, सबसे हाईएस्ट मार्क्स 73 और सबसे कम 50। इन बच्चों को मुबारकबाद बहुत बहुत, और इन बच्चों का इंटरव्यू बहुत जल्द है, लगभग 72 घंटे के बाद इन बच्चों का इंटरव्यू है 19 मार्च सुबह 11 बजे 2021 ऑफलाइन माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत उज्जैन विश्वविद्यालय, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सभी नोटिफिकेशन को जानने के बाद मैं बताऊँगा इंटरव्यू सिनॉप्सिस और डॉक्यूमेंट्स के विषय में ज़रूरी बातें, उसको सुन लीजिएगा। वीडियो अभी 15% भी नहीं बना है, क्योंकि लगभग 20 से 22 डिपार्टमेंट के बारे में मैं कोई बताना है, तो जिसका होता जा रहा है जाते जाइए, आते रहिए, जो आपको करना है करिए। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे अब ध्यान दें, इस डिपार्टमेंट के बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं उनकी संख्या है 7 बच्चे हुए हैं क्वालिफाई, और इन सभी बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है 26 मार्च 2021, समय है सुबह 11 बजे, समय है सुबह 11 बजे। और इस डिपार्टमेंट के बच्चे खासकर ध्यान दें, और हाँ, इनका जो इंटरव्यू होगा वह विश्वविद्यालय के अपने विभाग में होगा, और आपको भी विभाग में जाना होगा अपना सिनॉप्सिस साथ ले जाकर, और साथ में आइडेंटिटी प्रूफ फोटो, वो चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। 7 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 26 मार्च को आपका इंटरव्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें, 24 बच्चे हुए हैं क्वालिफाई एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस में इंटरव्यू के लिए, पीएचडी के लिए, और आपका इंटरव्यू है 26 मार्च को सुबह 11 बजे। याद रखिएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों का इंटरव्यू 26 मार्च को 11 बजे है, और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का भी इंटरव्यू 26 मार्च सुबह 11 बजे। इसीलिए डिपार्टमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, पब्लिक टू पब्लिक हो जाएगा, वो पॉलिटिकल साइंस था, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। अब ये तीसरा पीआई है जिसका नाम है फिजिक्स, साइंस का सब्जेक्ट है। इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें, लगभग 9 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और 3 बच्चों को एग्जामिनेटेड किया गया है, यानी के टोटल हो गए आपके 12 बच्चे, 12 बच्चों का क्वालिफाई हुआ है पीएचडी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और आप सभी तैयार हो जाइए इंटरव्यू के लिए 27 मार्च सुबह 11:30 बजे आपको ऑन द स्पॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ उज्जैन फिजिक्स में जाना है अपने इंटरव्यू देने के लिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में क्या रहेंगे डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे आगे, थोड़ा वेट कीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ, फिर एक और पी आ गया, पी का मतलब फिजिक्स नहीं, पॉलिटिकल नहीं, पब्लिक एडमिशन नहीं, फिलॉसफी डिपार्टमेंट यानी कि दर्शन शास्त्र, 4 बच्चे हुए हैं क्वालिफाई इस डिपार्टमेंट के, 22 मार्च सुबह 11 बजे आप सभी का रखा गया है इंटरव्यू। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे ध्यान दें, 5 बच्चे हुए हैं एंट्रेंस क्वालिफाई और 1 बच्चे एग्जामिनेड हुए हैं, टोटल हो गए 6 कैंडिडेट। आपका इंटरव्यू है 26 मार्च को दोपहर 3 बजे से। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स गणितज्ञ विज्ञान नहीं बोलेंगे इसको, गणित ही रहने दीजिए, जिसमें 2 बच्चे हुए हैं एंट्रेंस क्वालिफाई बस, केवल 2 कैंडिडेट्स आर क्वालिफाई एग्जाम ऑफ पीएचडी एंट्रेंस इन मैथमेटिक्स 2। लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 12 बच्चे एग्जामिनेड भी हैं, यानी कि 12 और 2, 14 बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पीएचडी के लिए। डेट है 26 मार्च, समय सुबह 10:30 बजे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है
LIS यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जी हाँ, इस डिपार्टमेंट के बच्चे भी ध्यान दें, जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 से ज़्यादा बच्चे हैं और आपका इंटरव्यू 96 घंटे के बाद, तो नहीं लगभग लगभग 6 दिन के बाद है, यानी कि 22 मार्च सुबह 11:30 बजे। ठीक है, चलिए तैयारी हो जाइए। और फिर अगला डिपार्टमेंट है लॉ। लॉ के अंदर भी अच्छी खासी संख्या है बच्चों की, गिन लेते हैं 3, 3, 6, 3, 9, 9 और 2, 11, 11 और 3, 4, 15, 15 और 6, 21। 21 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है PhD इन लॉ के एंट्रेंस के लिए। इनका इंटरव्यू होगा 19 मार्च को सुबह 11 बजे। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चे अब खासकर ध्यान दें। और हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं बताया नहीं, क्वालिफाई या मेरिट कितनी है। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी के बच्चों को, चाहे क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है, और PH कैंडिडेट्स को 45% अंक लाने पर क्वालिफाई रखा गया है। और जो भी जर्नल और EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनको, EWS नहीं है, जर्नल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 50% पे क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, अब ये हाँ, हम चल रहे थे हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के अंदर बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उनकी संख्या है 27। ठीक है, 27 बच्चे हैं जिसमें से क्वालिफाई किए गए हैं। टोटल 29 बच्चों ने पेपर दिया था, 2 बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि अधिकांश बच्चों ने अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है ना, और जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनमें से एक कैंडिडेट 6 नंबरों से क्वालिफाई नहीं कर पाया और एक कैंडिडेट 2 नंबरों से क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो वह भी दोबारा से तैयारी करें, उनको मौका मिलेगा दोबारा से। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें, उनका जो इंटरव्यू रखा गया है वह रखा गया है 31 मार्च 2021 सुबह 11 बजे। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, अरे दादा इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, हिंदी की लिस्ट यार बड़ी लंबी चौड़ी है। इतने बच्चे महान शतक वीर है यार, 69 बच्चे क्वालिफाई कर लिए हैं भाई, 69 बच्चे हिंदी में करे हैं क्वालिफाई PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और इनका इंटरव्यू बड़ी ही क्रांतिकारी तारीख पे है, बड़ी ही क्रांतिकारी तारीख पे, क्योंकि जिस तारीख को इनका इंटरव्यू है ना, उस तारीख में यदि आप 90 वर्ष कम कर दें, यदि 90 वर्ष कम कर दें, आप चले जाएंगे भगत सिंह के मृत्यु दिवस पे। तारीख याद आ गई आपको, 23 मार्च। तो 23 मार्च 2021 को इन सभी बच्चों का साक्षात्कार निर्धारित किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ इंटरव्यू के लिए DRC का उपयोग किया गया है, तो कई जगह DRC क्या है क्या नहीं है अपने अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर जरूर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी के अलग अलग प्रावधान होते हैं, और नहीं बताया तो मैं बता भी देता हूँ, 69 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं हिंदी में। अब चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के अंतर्गत। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में केवल 2 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, एक का स्कोर 74, दूसरे का 48, एक है अनरिजर्व, एक है ST। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका इंटरव्यू 19 मार्च को रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। जय 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 भीम नहीं बोलेंगे हम, ना जय महाभारत बोलेंगे भैया, हम पे संप्रदायिकता का आरोप लग गया। तो जियोलॉजी के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल, ठीक है हाँ, एनवायरमेंट पे हम चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट पे हम चलते हैं। और इतना सारा नोटिफिकेशन है ना, कंफ्यूज हो ही जाता हूँ मैं भी, कहाँ गया, हाँ ये आ गया, एनवायरमेंट मैनेजमेंट। इस डिपार्टमेंट में 3 और 2, 5 बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं, 2 बच्चे एग्जामटेड रखे गए, यानी कि 7 बच्चे हैं। और इनके इंटरव्यू की डेट को दिया गया है 20 मार्च को, 20 मार्च सुबह 11:30 बजे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ, ये क्लियर नहीं है हम, हाँ नोटिस में देखते हैं हम, अगर क्लियर नहीं है तो बहुत है, एजुकेशन। ठीक है हाँ, एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन के बारे में कैसे लिखा है इन लोगों ने, आप भी थोड़ा पढ़िएगा, शिक्षा में शिक्षा लिख दिया यार, नोटिफिकेशन इंग्लिश का है यार सारा, आपने एक शब्द को शिक्षा लिख दिया। एजुकेशन लिखने में तकलीफ थी, होगी तकलीफ होगी भैया, बुढ़बक लोग हैं। 2 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं भैया एंट्रेंस में, ओनली 2 कैंडिडेट्स, बड़े बेकार हाल है शिक्षा किस देश में। और शिक्षा संस्थानों की तो जिम्मेदारी है ये शिक्षा को बर्बाद करने की, जिम्मेदारी ली है हम शिक्षा संस्थानों ने। अब सांप्रदायिकता या जातिवाद, आतंकवाद, देशद्रोह, देश प्रेम विश्वविद्यालयों से तैयार नहीं होते हैं,
गिने चुने कुछ शिक्षण संस्थानों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोड़िए चलते हैं बीती बातें, भूल जाइए, आप नौकरी पे ध्यान दीजिए, डिग्री पे ध्यान दीजिए। 19 मार्च को है इंटरव्यू शिक्षा विद्यापीठ के बच्चों का, जो बच्चे हुए हैं एंट्रेंस क्वालिफाई पीएचडी के लिए, इस बात का ध्यान दें। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, आपको कर दिया गया है क्वालिफाई और आपकी भी वही क्रांतिकारी डेट है, आज से 90 वर्ष पूर्व वाली, आज से मतलब जिस दिन इंटरव्यू है भगत सिंह की पुण्यतिथि पर 23 मार्च को आपका इंटरव्यू रखा गया है। समय निर्धारित तो नहीं है, आप डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड प्लानिंग, ड्राइंग्स को फाइन आर्ट भी बोला जाता है, इसमें ये 6 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं और इन बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है 24 मार्च को। बच गए आप क्रांतिकारी तारीख से, लेकिन आप शायद भूल गए भगत सिंह पेंटर बड़े अच्छे थे, नागार्जुन जैसे पेंटर थे और दोनों ने लगभग एक जैसे क्रांतिकारी कवियों लेखकों को पढ़ा भी है, ठीक है, नागार्जुन की बात में करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, 2 बच्चे क्वालिफाई हुए, 3 बच्चे एग्जामिनेट किए गए, 27 मार्च को आपका इंटरव्यू है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के बच्चों का इंटरव्यू 25 मार्च को है, 19 बच्चे हुए हैं क्वालिफाई। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, अरे यार देखो यार गलती हो गई ना, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 19 बच्चे वे क्वालिफाई हुए हैं जो एससी कैटेगरी के हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 12 बच्चे वे हैं जो एसटी क्वालिफाई हुए हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 27 बच्चे वे क्वालिफाई हुए हैं जो जर्नल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 26 बच्चे वे हैं जो ओबीसी क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि 26 और 27 हो गए आपके 6, 12, 23 53 और 12 75 और 85 95, 94 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, याद रखिएगा। अब इन सभी बच्चों का इंटरव्यू की जो तारीख है वह दी गई है, मैं देख के बता दूंगा, अगर बिना देख के बताऊंगा तो कहेंगे गड़बड़ हो गई। 25 तारीख अभी है, 25 मार्च को आपका इंटरव्यू है, DRC की मीटिंग जो रखी जाती है उसी में अपना प्रपोजल वगैरह लेकर जो भी उल्टे सीधे तामझामे लेकर जाइए, इंटरव्यू हो जाएगा आपका। बॉटनी डिपार्टमेंट, 2 बच्चे क्वालिफाई हुए इंटरव्यू के लिए भैया, यानी कितनी अच्छी मेहनत की होगी बच्चों ने, 2 बच्चे क्वालिफाई हुए, 3 बच्चे एग्जामिनेट कर दिए गए, 25 मार्च को आपका इंटरव्यू है। लास्ट डिपार्टमेंट AIHC आर्कोलॉजी, अरे अलग अलग नाम इस विभाग का भी, 2 बच्चे क्वालिफाई हुए बस, कोई एग्जामिनेट नहीं हुआ, 24 मार्च को इंटरव्यू हो गया, खत्म नोटिफिकेशन, जाना जाइए नहीं, 3 मिनट और रुकी है। आपने सबको सुन लिया, 17 मिनट अपने दे दिए, बड़े आराम से बोला मैंने, क्योंकि तबीयत थोड़ी पेचीदगी में है मेरी। उज्जैन विश्वविद्यालय के जिस भी, सॉरी देखो गलती होगी ना, विक्रम यूनिवर्सिटी जो कि उज्जैन में है, उसमें जिन भी बच्चों को क्वालिफाई हुआ है एंट्रेंस, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कुछ ज़रूरी बातें सुन लीजिएगा कि इंटरव्यू के वक्त में क्या क्या लेकर जाना है, और केवल एक डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ, मेरा अगर मैं गलती नहीं हूँ, हाँ सोशल वर्क के बच्चे, ठीक है ना, फिर भी देख लेता हूँ, मेरे पे गलती हो जाती है, सोशियोलॉजी, यहाँ देखिए सोशियोलॉजी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के बच्चे ध्यान दें, उनका इंटरव्यू होना है ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, जितने भी मैंने नोटिफिकेशन बताए, लेकिन उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट की सूचनाएं मैंने दी उन सभी का इंटरव्यू होगा ऑफलाइन माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा सभी डिपार्टमेंट का, सोशियोलॉजी को छोड़कर, और बाकी सभी का इंटरव्यू अपने अपने डिपार्टमेंट में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें सुन लीजिए भैया, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका प्रिंट आउट निकाला था, उसको साथ लेकर जाइएगा, पहला ज़रूरी दस्तावेज, दूसरा अपना एडमिट कार्ड साथ लेकर जाइएगा, दूसरा ज़रूरी दस्तावेज, तीसरा जो आपका रिजल्ट आया है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तीसरा डॉक्यूमेंट, पानी पी लेते हैं, पी ही लेते हैं, फिर से सुन लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी कॉपी, अपना एडमिट कार्ड उसकी कॉपी, अपना स्कोर कार्ड जो आपने क्वालिफाई किया है इसकी कॉपी, यदि किसी आधार पे आपको एग्जामटेड किया गया है, चाहे आपका नेट है, JRF है, MPhil है, स्लेट है, कोई फेलो है, कोई स्कॉलर है, कोई टीचर है, उन सब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ इंक्लूड कर लीजिए एक्स्ट्रा से, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी, यदि आप किसी और संस्थान में कोई और डिग्री कर रहे हैं, या फिर आप उसी संस्थान से कोई और डिग्री कर रहे हैं,
या फिर आप किसी अन्य संस्थान में जॉब पे हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, यदि है या नहीं है मुझे नहीं पता है, तो अपना एक NOC का सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइएगा, गैर आपत्तिजनक प्रमाण पत्र, ठीक है, ये रखिएगा ध्यान में, सभी कैंडिडेट जो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट्स, आप अपने 10th क्लास से लेकर 10th, 12th, BA, MA, MPhil, नेट जहरा जो भी है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सबकी फोटोकॉपी, फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके साथ लेकर जाइएगा। ये तो बहुत होगी ज़रूरी चीज़ें, लेकिन इन सब की जो मेजर चीज़ है जिसके बिना आप जाएंगे इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, आप चाहे पूर्व बताई हुई सभी चीज़ों का फोटोकॉपी लेकर चले जाइए, ओरिजिनल नहीं है नहीं लेकर जाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो अब बताने वाला हूँ यदि उसको लेकर नहीं जाएंगे तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। 10 नहीं 100 रीज़न लगा लीजिए, जेन्युइन रीज़न लगा लीजिए, इंटरव्यू नहीं होगा। वह है आपका रिसर्च प्रपोजल, संभावित शोध पत्र। आपने फॉर्म भरते वक्त हो सकता है लगाया हो ना लगाया हो मुझे नहीं पता है, आपसे मांगा गया नहीं मांगा गया ये भी नहीं पता है, लेकिन इंटरव्यू के वक्त में आपको साथ लेकर जाना होगा। देखना कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बोलने में, बकबक करने में, 25 नोटिफिकेशन को सामने रखना, उसको टैली करना, डेट को, बच्चों को, और कोई नोटिफिकेशन यहाँ का वहाँ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि इंटरव्यू की डेट थी हिंदी की मैंने बता दी, आपको हिस्ट्री की ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सभी नोटिफिकेशन के लिंक मैं नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, हाँ, डॉक्टर प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल देखिए भैया साथ लेकर जाइएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का लोगो के साथ फ्रंट पेज जरूर बना लीजिएगा, हिंदी में लेकर जाना है, इंग्लिश में लेकर जाना है, इसका इसकी कंसल्टेशन सूचना अपने अपने विभाग से ले लीजिएगा। हाँ, हिंदी का तो हिंदी में बनेगा, संस्कृत का संस्कृत में बनेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में बनेगा, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन और डिपार्टमेंट का किस किस भाषा में बनेगा, हो सकता है उनकी अलग भाषा हो, कोई ईजाद करने वाला संस्थान बहुत है, UP तो चरम पर है अपने, ठीक है, व्यंग नहीं है, सत्य है, ठीक है। तो भैया डॉक्यूमेंट साथ रख लीजिएगा, रिसर्च प्रपोजल साथ रख लीजिएगा, रिसर्च प्रपोजल 2 पेज का बनाना है, 200 पेज का बनाना है, 20 पेज का बनाना है, ये अपने अपने विभाग से कंसल्ट कर लीजिएगा। पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, थोड़ी गाइडलाइंस मुझसे ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो अनुभव है मेरे पास 1-2 महीने का, 2 वर्षों का, थोड़ा हेल्प हो जाएगी, और अपना इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, और 2 से 3 दिन ही हैं आपके पास इंटरव्यू की तैयारी में, ठीक है ना, क्योंकि जिसका 19 तारीख को इंटरव्यू है उसके पास तो 2 ही दिन हैं, 2 से 2.5 दिन हैं, लेकिन जिसका 26 को है, जिसका 30 को है, जिसका 31 को, उसके पास तो 10 दिन हैं, ऐसा नहीं है। जब इंटरव्यू के लिए बड़ा तैयारी करोगे ना आप सिनॉप्सिस की, तब आपके तोते खुलेंगे कि हमने रिसर्च प्रपोजल में जो डाला है कितना सही डाला है, क्या होता है रिसर्च प्रपोजल में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कैसे डेटा डालते हैं, क्या प्रविधि होती है, क्या हाइपोथीसिस होती है, क्या रिलेवेंस होता है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है, क्या आपकी बिबलियोग्राफी है, कैसे अपने टॉपिक को रेलेवेंस करेंगे आज की सोसाइटी से, आज के सब्जेक्ट्स के, आज की यूनिवर्सिटीज से, और आज वर्ल्ड वाइड लेवल पर आपके विषय पर क्या काम काज हो रहा है, और आप उसमें क्या योगदान देंगे, कैसे देंगे, किसके लिए देंगे, कितना देंगे, ये सभी बारीकी चीज़ें होती हैं जो रिसर्च प्रपोजल में लिखी जाती हैं और इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि इंटरव्यू के लिए आपने रिसर्च प्रपोजल में कुछ भी लिख दिया, जो लिखेंगे वह पूछा भी जाएगा, इसीलिए बहुत सोच समझ कर लिखिएगा, और वही लिखिएगा जिसका A to Z आपको मालूम हो, उसकी छोटी से छोटी बातें, चाहे 2 पेज का लेकर जाइए या 12 पेज का लेकर जाइए, नथिंग प्रॉब्लम पड़ता है कुछ भी, यदि आपके दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आने दीजिए सवाल को, सामने से आपके जिस गति से सवाल आएगा उससे तीव्र गति से आपका जवाब यदि जाता है तो सिलेक्शन पे मोहर लग जाएगी और आप हो जाएंगे PhD स्कॉलर, और 5 वर्षों के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर। धन्यवाद बहुत बहुत अपना 24 मिनट देने के लिए, कितना अच्छा लगा बुरा लगा वे आपकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी। बहुत जल्दी किसी और दिन किसी और समय किसी और वीडियो किसी और विषय के साथ आपसे मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।